नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर मृत व्यक्ति की लौटी सांसें। बता दें, सड़क दुर्घटना में घायल युवक की लौटी सांसें। परिजनों के मुताबिक घायल युवक को हायर सेंटर के डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। इसे डॉक्टर की लापरवाही कहें या कुदरत का करिश्मा, युवक के एक बार फिर से जीवित होने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और उसको उपचार के लिए दोबारा से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप बताओ क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? मेरे बेटे साथ में जो है जी, वो हमारा नौकरी कर रहा था नगिन्ना इसके मोहन के होटल पर। तो ये शाम को उसके अगले दिन रिश्ते वाले आने वो तैयार थे, तो वो घर आया। मैंने उसे समझाया भैया कुछ मांगी होंगी मतना। जी क्या नाम है आपका, क्या हुआ है आपके साथ में? जी राहुल नाम है मेरा, एक्सीडेंट हुआ है इनका, मेरे भाई का। अब से 3-4 दिन पहले बिजनौर ले गए हम, वहाँ उन्होंने दो रात रिहा, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरठ ले गए, रिकी केस ले गए, वहाँ एम्स में 3-4 दिन रहा, वहाँ उन्होंने बाहर निकाल दिया। क्या बोला? एंड हो गया, एंड हो गया, ले जाओ रास्ते घर ले जाओ। फिर क्या हुआ? रास्ते में होश आ गया, सांसें आ गई, सांस आ गई, हरिद्वार से निकलते। एक और बड़ी खबर आगरा से है। आगरा में किसानों के आज रेल रोको आह्वान के मद्देनजर सभी रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आगरा कैंट और आगरा फोर्ट पर राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की पैनी नजर। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर पुलिस RPF GRPF कर रही है गश्त। स्टेशन पर आने जाने वाले की जा रही है चेकिंग। उधर किसानों का आह्वान, कुंडेल क्षेत्र के गांव में करेंगे सभा और पदयात्रा, रेलवे स्टेशन लाइन पर करेंगे प्रदर्शन। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।